गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं अपने जर्नी के लिए निकल चुका हूँ और हम लोग अभी पेट्रोल भर चुके हैं अपने बाइक पे और अभी स्टार्ट होने वाली है हमारी जर्नी। 1 hour later सोमपुर एक ऐसी जगह है जिसको दूसरी वाराणसी बोला जाता है और दो नदियों की संगम होती है, जो तेल नदी और महानदी, तो इस वजह से दूसरा इलाहाबाद बोला जाता है। कुछ याद आया अविनाश? हाय कर दो फ्रेंड। सो फाइनली अभी हम लोग बोट पे जाने ही वाले हैं। ये घुनघुटी लोग यहाँ पे पाठ पनिया लोग घाट को छोड़ के जा रहे हैं मंदिर दर्शन के लिए। सावत सर, बाय बाय ब्रो, थैंक यू फॉर कीपिंग माय हेलमेट। काशी में कण कण डोलत घंट मंत्र सुन शंकर अविनाशी में। महानदी इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत बड़ी नदी है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम भी है, हीराकुड डैम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम हमारे पश्चिम ओडिशा में। किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल जाती है और कोई हमारी तरह जिंदगी भर सफर करता है। एक टाइम लैप्स बिठा दिया है। 1 minute 37 seconds later ओ मैंने तुझे देखा हंसते हुए गानों में बेजर ख्यालों में हुस्न के हवालों के बालों में मोरनी की चालों में। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो गाइस हम लोग अभी फाइनली बोट से पार होके लंकेश्वरी मंदिर पहुंच चुके हैं। अभी दर्शन करेंगे, आपको सब दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए दवस्टन गाइस को। बोट से आएंगे, आपको यहाँ पे अपना शूज खोल के ऊपर दर्शन के लिए जाना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं गाइस। हम लोग अभी आ चुके हैं लंकेश्वरी टेम्पल सोमपुर और ये जो टेम्पल है वो रिवर के बीचों बीच है, तो हमें इस टेम्पल को विजिट करने के लिए बोट से आना पड़ता है। और माना जाता है कि ये पश्चिम लंका था पुराने टाइम में और यहाँ पे लंकेश्वरी माता का मंदिर है और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं पुजारी जी का, वो आएंगे फिर वो मतलब मंदिर का पूजा करेंगे और हमें कुछ बताएंगे। सो स्टे ट्यून, तब तक बने रहिए वीडियो में। देवी मंदिर अच्छे कौन सी देवी मंदिर कलश सीधा नहीं रहे, सब टेढ़ा रहे। ये गाय 7 sisters है, 7 बहनी बोलते हैं। सुवर्णपुर प्रसिद्ध है 5 माँ के लिए, मंदिर, मंत्र, मौली फूला, माछ और महानदी। जय माँ लंकेश्वरी। ये मंदिर रो गोटे ब्राह्मण पूजा नहीं करे, इटा की आम गोटे केवटे पूजा कर, पुजारी जेन दरमा पाइसी से इन दरमा भी नहीं आर इथिर से पूजा करू जे माछ मारिकी से पूजा करी आसु। सोनपुर के इटा सुनापुर कहा उतला काई अरे दंड सुना वर्षा हेतला, फ्लड आया था गाइस, उसका यहाँ पे ये सिंबल है कि इतना लेवल तक पानी मंदिर में आ गया था। डाउन भी सर तो मुझे किसी को कहीं ना पड़ेगी जी बोलेंगे। ये मांग को ना खाली बुटे कोई नहीं। ये हम पानी बुटे मंदिर हो पानी भीतर सुनार मंदिर तो अच्छी आगो जो पूजक से पानी रे बुड़ी की जाई पूजा कर बुझे पूजा कर दिने कौन है से
ପୂଜା କରି ସାରିଲା ପରେ ଢାଳଟା ପାଶି ଦେଇ ପଳାଇ ଆଇଲେ ଭିତରେ, ଢାଳ ଯାଇ ପଶିକି ପଳାଇଲେ ଏମିତି ଏଥର ପଛେ ଫେନ୍ ଢାଳଟା ପାଶି ହେଲେ ବି ଫେନ୍ ନେଇଗଲେ, ନେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସାତ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଯେତିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଖାଇବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜକ ଯାଇଛି ସେ ଆଠ ଭାଗ ହେଉଛି, ପୂଜକ ଲୁକିକି ଦେଖୁଛି ଆଠ ଭାଗ ହେଉଛି, ଏଥର କିଏ ଅଛେ ବୋଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତ ଦେବୀମାନେ, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ପୂଜକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ପୂଜାଟା ଉପରେ ଗୋରୁଟା ଯେଉଁଠି ଟିକି ଦେଇକି ଢାଳଟା ସେଇଠି ପୂଜା କରିବ, ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବ ନିଆ ବୋଲି କହିଲେ ସେଠି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। जो भैया स्टोरी बताए थे कि जो लोटा उन्होंने फेंका था वो यहाँ पे आके गिरा था, तो यहाँ पे मंदिर की स्थापना हुई और यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है। जो बोला जाता है ना सेवन सिस्टर्स, वो ये हैं। गिरा था। सो गाइस, बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, इसे कोई भी समझ नहीं पाया। द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले भी आए थे, वो लोग भी इसके ऊपर रिसर्च किए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि यहाँ पर ये सब क्या लिखी हुई है। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये बहुत एंशियंट लग रहा है, बहुत पुराना लग रहा है। जो पत्थरों पे लिखा जाता था तब की बात है ये, और यहाँ पे माता को पूजा किया जाता है। देखिए वो अंदर मछलियाँ हैं। अच्छा गंगा धरिकी जी मझा नदी गोटे लिंगटे अच्छे से अच्छे देखेदेवी जेनटा कि पा भितर से लिंगटा अच्छे फिर से बोट शुरू हो गया है और अभी हम लोग वो लिंग देखने जा रहे हैं जो भैया ने बताया था। इटा दिसला न ये हाँ गाइस, ये जो है वो लिंग है। हमारी हिस्ट्री को हम अभी जान रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग से ऐसा हो रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री को जान पा रहे हैं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे थे, मतलब चीज़ें कैसी थी, भगवान को कैसे हम लोग मानते थे, भगवान का क्या अस्तित्व है यहाँ पे। तो हीलिंग प्रोसेस जा रहे हैं जिसमें एक अल्टीमेट पीस मिल रहा है चीज़ों को जान के। दुबई भैया और बलराम भैया के वजह से हम लोग आज बहुत सारी चीज़ें को एक्सप्लोर कर पाए, वो हमें बहुत माइन्यूट डिटेल में बताया उन्होंने सब चीज़। तू बन जा गली बनारस की टू द स्टेशन, बहुत सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। सो गाइस, ये गुंडीचा मंदिर है जो कि अभी क्लोज है, लेकिन यहाँ पे भी आप आके दर्शन कर सकते हैं। सोमपुर को बनारस कहने का एक ही रीज़न यही है कि यहाँ पे 108 मंदिर पिछले साल तक कैलकुलेट किया था, 108 मंदिर थे, कल्ट्स ऑफ टेंपल्स हैं, इसके वजह से इसे बनारस कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिवेणी संगम, इसका मतलब तीन नदियाँ यहाँ पे आके मिली हैं। एक्सप्लोर करते हैं इसको। So guys, after a divine bath, हम लोग फिर से मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। पानी इतना अच्छा था, सहा नहीं गया, पानी को देख के तो रहा है नहीं जाता है कहीं पे भी, और महानदी का पानी इतना साफ और इतना बेस्ट होता है ना, तो नहाना ही पड़ता है। आपको जो जो भी सब्जी चाहिए आप आके ले सकते हैं सोमपुर के डेली मार्केट से, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, सब चीज अवेलेबल है यहाँ पे, मच्छों से लेके वेजिटेबल आइटम्स एवरीथिंग। और संडे को पूरा जोर का मार्केट लगता है, तो आप संडे को जरूर आइए अगर यहाँ आते हैं तो।
ऐसी हो। So guys, ये सुरेश्वरी मंदिर है, इष्ट देवी का मंदिर।